महाशिवरात्रि के अवसर पर गुना के विभिन्न शिवालयों में गूंजे हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे। सुबह से ही शुरू हुआ पूजा अर्चना और आरती का दौर। नजरुल कॉलोनी भार्गव कॉलोनी से भक्तों ने शिवरात्रि के अवसर पर निकाली शिवजी की शाही सवारी। श्रद्धालुओं ने शिव बारात में बढ़ चढ़कर लिया भाग। आरोन में भी महाशिवरात्रि के अवसर पर जगह जगह शिव भक्तों ने प्राचीन गुफाओं में पहुंचकर शिव की पूजा अर्चना। क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान गुना बमोरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव में जल प्रदाय के लिए राशियां की स्वीकृत। जिला अस्पताल में कल लगेगा कैंसर निदान एवं पॉलिएटिव केयर शिविर। प्रातः 9 से लेकर 1 बजे तक डॉक्टर दिनेश पेंडारकर सहित प्रदेश के जाने माने विशेषज्ञ रोगियों का परीक्षण कर देंगे उन्हें उपचार सलाह। नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने भारी जनसमूह के बीच रावगढ़ बस स्टैंड पर आयोजित कार्यक्रम में पूजा एवं विधि विधान के साथ जल प्रदाय योजना तथा नगर पालिका के विभिन्न निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन। रुठियाई में नगरीय विकास मंत्री के मुख्य आतिथ्य में कई निर्माण कार्यों का हुआ भूमि पूजन। साथ ही राहुगढ़ रुठियाई सहित विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय विकास मंत्री ने लिया कई कार्यक्रमों में भाग। लोकसभा चुनाव को लेकर नगरीय विकास एवं आवास निर्माण मंत्री जयवर्धन सिंह ने की पत्रकारों से बातचीत। पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा नकुलनाथ को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। राजगढ़ सीट के लिए अभी तक कोई भी नाम तय नहीं है कहा जयवर्धन सिंह ने। महावीरपुरा में कल रात घर में सो रहे एक व्यक्ति के साथ दो अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट की और लूट को दिया अंजाम। फरियादी के अनुसार पेटी में रखे नकदी तथा मकान के कागजात ले उड़े लुटेरे। गुना दिगंबर जैन समाज की कार्यकारिणी ने मुनि विद्यासागर जी के दर्शन किए और उन्हें गुना आने के लिए आमंत्रण हेतु श्रीफल किया भेंट। महाशिवरात्रि के अवसर पर केदारनाथ धाम पर रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। लगा रहा लंबी लंबी कतारों में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता। 3 दिवसीय इस मेले के दौरान केदारनाथ धाम पर सामाजिक संस्थाओं ने श्रद्धालुओं के लिए लगाए विशेष स्टॉल। पुलिस प्रशासन ने भी किए मेले में विशेष सुरक्षा प्रबंध।